अरे खाने में है कुछ? खाने में क्या क्या है? खाने में अरहर की दाल है, छोले है, कढ़ी है, आलू गोभी सब्जी है। ठीक ठीक, यही खा लेते हैं। वो कहाँ, सुगम नहीं आया ना अभी। सो गाइज, मैं आज हूँ हल्द्वानी में। तो आज से जो प्रोग्राम है, हमने जाना है हल्द्वानी से रामनगर। इन सब लोग के लिए मैंने एक सरप्राइज रखा हुआ है रामनगर में। यह है सुनील, यह है शुभम, मोहित और नीरज। दिवस भैया हमारे नहीं आ रहे हैं आज। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊँगा, मेरा पेपर है समूगो का, समूगो का पेपर देकर सरकारी नौकरी निकालूंगा। तो इन लोग के लिए एक है सरप्राइज रामनगर में मैंने के रखा हुआ है। कल शाम हम लोग मिले थे हल्द्वानी में, तो एक प्रोग्राम मैंने बनाया है रातों रात कुछ अर्जेंट में, तो इनका तो सरप्राइज देखते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो अब देखते हैं यहाँ से रामनगर का रास्ता। तो भैया हो गया सफ़र स्टार्ट। अभी फ़िलहाल है ऊंचा पुल में। शुभम का यहाँ पर रूम था, तो वहाँ रुके थे हम कल रात। अभी एक बंदा है, वो इंतज़ार कर रहा है यहीं ऊंचा पुल चौराहे पे। तो उसको पहले लेना है। तो पहुँच गए हम लोग ऊंचा पुल चौराहे पे। यहीं कहीं था हमारा एक अजीत दोस्त, नाम भी उसका अजीत है, अजीत के साथ अजीत दोस्त। तो कहाँ पर खड़ा बने जाने, आ जा। और क्या हो रहा है हाल चाल? बैठ 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 बैठ। अरे गोप्रो लगा रखा। अरे हेलमेट लेके आना पड़ेगा यार। लामा चौक के आसपास पहुंच गए हैं। पेट्रोल मैंने पहले से भरा हुआ था, तो पेट्रोल भरने की जरूरत है नहीं। करीब यहाँ से रामनगर की जो डिस्टेंस है वो है 55 किलोमीटर, और हमको लगेगा करीब एक घंटा वहाँ पहुँचने में। अभी और का टाइम दिन के बज रखे हैं 11:30, यानी कि 12:30 बजे तक हमें रामनगर पहुँच जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 बज जाएगा हम लोग को, मे बी ये रास्ता है। और इन लोग को पता है नहीं, लेकिन हमको 1:30 बजे तक वहाँ पहुँचना है, ये मेरा टारगेट है। 1:30 बजे से पहले हमको वहाँ पहुँचना है, तभी इनका सरप्राइज इनको दिखा पाऊँगा मैं, और आप लोग भी देखोगे इन लोग के लिए क्या सरप्राइज है। यह यहाँ का आमपाली इंस्टीट्यूट, हल्द्वानी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग कॉलेज है मतलब। चलते हैं आगे, देखते हैं रास्ता। हाँ, इस रास्ते में ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, हद से ज़्यादा ट्रैफिक है। वहाँ से बसें चल रही हैं, प्राइवेट बसें चल रही हैं, और थोड़ा ये टूरिस्ट प्लेस है, नैनीताल वाला रास्ता है। यहाँ से हल्द्वानी को, रामनगर को, तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस रास्ते में, क्योंकि रोड भी मतलब यहाँ की ऐसी है नहीं। और गाड़ी वाले चला रहे हैं, गाड़ी इतनी तेज़, ये देखो बस कितनी तेज़ चल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसमें हम लोग को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा ट्रैफिक होने की वजह से, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो स्पीड मिल रही है वो 40 तक मिल रही है, जैसे अगर तेज चलाओ तो यार तुम ज़्यादा तेज चलाना, क्योंकि बीच में अचानक से मोड़ आते हैं रोड पे, और थोड़ी रोड है आपके ऐसे कि गड्ढे टाइप की रोड है,
वैसे मैंने रोड पर गड्ढे नहीं है, लेकिन ऐसे 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 जो होता है ना, तो गाड़ी ऐसे शीशे झूले की तरह लहर की तरह चल रही है। तो करीब 22 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं छोटी हल्द्वानी, यानी कि काला ढूंगी। यह है पूरा काला ढूंगी, एक छोटा टाउन पड़ता है हल्द्वानी और रामनगर के बीच में। यहाँ से एक रास्ता निकलता है नैनीताल को, यहीं कहीं से भी देखते हैं कहाँ पर निकलता है रास्ता, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मुरादाबाद यहाँ से 107 किलोमीटर, बादपुर 24 किलोमीटर, और नैनीताल के लिए रास्ता इस साइड से ऊपर को चला जाता है काला डूंगी के यहाँ से। अगर आप कभी रामनगर आते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से नैनीताल जा सकते हैं, आपको हल्द्वानी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से करीब है इसकी डिस्टेंस 34 किलोमीटर यहाँ से भी है, 34 किलोमीटर हल्द्वानी से भी है डिस्टेंस नैनीताल की। तो आप अगर कभी रामनगर के रास्ते आ रहे हैं या आप काशीपुर से आ रहे हैं, बादपुर से आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट नैनीताल यहाँ से चले जाएंगे। देखिए लिखा है काला डूंगी एक साइड से, एक साइड छोटी हल्द्वानी। जिम कॉर्बेट थे उनका यहाँ पर एक बहुत अच्छा म्यूजियम है, यहीं आसपास है कहीं पे म्यूजियम, मैंने भी ऐसा देखा नहीं, लेकिन अभी हम पे टाइम नहीं है, तो कभी नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो उसका दिखा देंगे, ब्लॉग बना दूंगा उसका। लेकिन फिलहाल तो अभी हमको रामनगर पहुँचना है, वो भी 1:30 बजे तक हमारा टारगेट है, और टाइम हो गया 12:16, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। लेकिन रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, रास्ता इतना मस्त है क्योंकि जंगलों के बीच से होकर निकल रहा रास्ता, नीचे एक छोटी सी नदी है, और ये जो रास्ता चला गया ये कोटाबाग, एक गांव है यहाँ पे, कोटाबाग को रास्ता इधर से चला गया काला डूंगी से। जिम कोविड नेशनल पार्क यहाँ से 48 किलोमीटर दूर है। सीधे बादपुर और रामपुर को रोड सीधे निकल गई, और काशीपुर देहरादून और रामनगर के लिए हमको मुड़ना है यहाँ से राइट। जिम कोविड पार्क 40 किलोमीटर और रामनगर है करीब 26 किलोमीटर, यानी कि जिम कोविड पार्क की डिस्टेंस रामनगर से भी करीब 22 किलोमीटर ज़्यादा है। तो इस जगह का नाम था नया गाँव, तो नया गाँव में हमको टर्न करना है राइट, अगर हम हल्द्वानी की ओर से आ रहे हैं तो राइट टर्न करना है, और हम पहुंच जाएंगे सीधे रामनगर वाले स्थल पर। तो अब हम पहुंच चुके हैं बैल पड़ाव, और भूख भी बहुत तेज लगी है, 12:30 बजे हैं, 1 घंटा हम पे है अभी बचा हुआ रामनगर पहुंचने के लिए, और करीब 12 किलोमीटर डिस्टेंस बची है। एक रोड इधर को चलेगी पावलगढ़ में, पावलगढ़ में एक रोड चलेगी, यहीं कहीं कुछ देखते हैं बैल पड़ाव में, अगर कहीं खाने के लिए मिल जाएगा तो सही हो जाएगा हम लोग का। अरे खाने में है कुछ? खाने में क्या क्या है? खाने में अरहर की दाल है, छोले है, कढ़ी है, आलू गोभी सब्जी है। ठीक ठीक, यहीं खा लेते हैं। वो कहाँ है, सुगम नहीं आया ना अभी? तो हम पहुंच गए रामनगर, और ये है रामनगर का कोसी बैराज, जहाँ अभी विंटर्स में बर्ड्स आती हैं साइबेरियन, इस साइड से दिखाई दे रही हैं साइबेरियन बर्ड्स, और रामनगर पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं इनका सरप्राइज क्या था, फिर क्या इन लोगों को भी पता चले। लोग पहुंच चुके हैं रामनगर में, और अभी हम खड़े हैं यहाँ पे एक चौराहा है रामनगर और हल्द्वानी रोड का एक चौराहा, वहाँ पर खड़े हुए हैं। सब लोग थके आ रहे हैं, इनका भी सरप्राइज आया नहीं है, इनका तो सस्पेंस था वो भी आया नहीं है, बस पहुंच जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या इनका सस्पेंस है। तो ये लोग इंतजार कर रहे थे अपने मेरे सरप्राइज का, सस्पेंस का, और ये हमारे सामने पहुंच चुका है इन लोग के लिए सरप्राइज। तो आज इन लोग को हम लोग घुमाएंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये मेरा फ्रेंड है मुकेश,
ये हमको यहाँ से ज्वाइन करेगा और इसके पिताजी मुकेश के जिन्होंने मतलब हमारे पूरा अरेंजमेंट इन्होंने करवाया है, इनसे मैंने बात की थी। तो हम लोग बैठ चुके हैं कावड़ सफारी में। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट शेयर लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत से वीडियो आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसके अंदर मैं आपको कावड़ पे लेके चलूंगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये ब्लॉग काफी 10-12-15 मिनट का होगा, उसके बाद जो ब्लॉग बनाऊंगा देखते हैं हम लोग कौन से वाले जोन में जा रहे हैं कावड़ के, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा।